शफकत महमूद ने ट्वीट किया है कि मुल्क में तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत होंगे। तमाम स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो उन अफराद के लिए भी खुशखबरी है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे पता है कि आपने ज़्यादातर इस वजह से इस वीडियो को प्ले किया कि तमाम तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से एक और नया फैसला ले लिया गया है कि तमाम तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा या फिर तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के वबा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसी वजह से आज शफकत महमूद की जानिब से एक और नया फैसला ले लिया गया कि तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा या फिर तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो को मुकम्मल आपने जरूर से देख लेना है। तो चले फिर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सिंपल से देखा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना। आने वाली जो भी नई लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और बर वक्त पहुंचता रहेगा। तो चले फिर वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शफकत महमूद की जानिब से एक ही फैसला लिया गया, तमाम तालीमी इदारों को दोबारा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वबा में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है और जो कि जिन क्लासेस के एग्जाम्स हैं उन क्लासेस के ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th के क्लासेस के एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे। और आपके लिए खुशखबरी है, और तमाम तालीमी इदारों को दोबारा बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक 9th, 10th क्लासेस का बंद करने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से।